नमस्कार चाचा, कैसे हो? ठीक है सर। क्या रिक्शा चलाते हो आप? हाँ जी सर। तो रिक्शा रोजाना चलाते हो आप? हाँ जी सर। इतनी ठंड में काफ़ी मेहनत करते हो, मतलब काफ़ी मेहनत का काम है। कब क्या बजे आते हो सुबह को? सुबह को 5 बजे जाते हैं। सुबह को आते क्या बजे हो? 8 बजे। 8 बजे आते हो, शाम को फिर कब जाते हो? 5 बजे। अच्छा, शाम को 5 बजे जाते हो, 8 बजे आके। हाँ जी। मतलब पूरे दिन रिक्शा चलाते हो? हाँ जी। कितना बन जाता है आपका ऐसे, अगर एक दिन में पूरे दिन आप काम करते हो तो? बन जाता है 250 रुपया 300 रुपया बन जाता है। अच्छा, 250-300 पता है बस? हाँ जी। इससे कुछ ज़्यादा? मैं कुछ ज़्यादा नहीं करता। अच्छा, कम बढ़ती हो जाता है कभी 200 कभी 250। हाँ जी। तो खाना खाया आपने? अभी खाना नहीं खाया, सुबह का चाय पिया। अच्छा, चलो कुछ खाना खिलवा देंगे आपको, बाकी जो मदद मुझसे होगी वो मैं करूँगा, आपकी कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक सर। चलो आप कुछ खाना खा लेते हैं, मेरे साथ आ जाओ। तो चाचा, अपने बारे में बताओ थोड़ा सा, मतलब घर पे कितने बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे 3 हैं। 3 हैं। हाँ। तो बच्चे क्या करते हैं आपके? तो बच्चे अभी छोटे हैं। छोटे हैं? हाँ जी। तो मतलब कमाने वाला घर में कोई नहीं है? नहीं, मैं ही अकेले। अच्छा, आप अकेले हो? रहते कहाँ पे हो वैसे? गहरी मंडी में। अच्छा, गहरी मंडी। मतलब घर अपना है या किराए पे ले रखा है या कैसे रहते हो? वो घर तो मेरा अपना ही है, मतलब माड़ा मोटा है। अच्छा, टाइम पास हैगा। टाइम पास है। अच्छा, उसमें रहते हो? तो मतलब जो आपका जैसे हाथ का रिक्शा है, तो इसमें पहले कमाई ज़्यादा थी या अभी? मतलब नहीं, सारा हमारा को बनता नहीं है ना। हम पहले ज़्यादा थी शुरू में? पहले ऐसे ही बनता था, महंगाई के साथ में ही थोड़ा पैसा वध बन गया, कभी ज़्यादा बन गया, ऐसे ही घर का जो है खान पोस चल जाता है थोड़ा। हाँ, घर का चल जाता जो, बस दाल पानी चल जाता और। हाँ जी। हमारी एक गुड़िया था, वो भी ब्याही थी, वो भी मुंडा कोई ठीक नहीं मिला, वो भी जो चिटा चूटा पीते हैं। देखा जाए तो क्यों काफ़ी मेहनत करते हो आप, मतलब ज़िंदगी में देखा जाए तो एक मतलब हार नहीं मानना, मेहनत हाँ। करते रहना। मतलब ऐसे लोगों को आप क्या बोलोगे जो इंसान जैसे लाइफ में ज़िंदगी में अपनी हार मान जाते हैं और घर बैठ जाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो उन्हें मतलब क्या करना चाहिए? इंसान को काम करते रहना चाहिए ना। काम करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, जितनी मेहनत होती है करना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। हाँ जी। अब सौ ही बने, सौ ही बनाना चाहिए। घर का चाय तो बनूंगा, मीठा आ जाएगा, पत्ती आ जाएगा, सुबह फिर देखा जाएगा। सही बात है, टाइम के हिसाब से मतलब मेहनत करनी चाहिए। हाँ जी। आपको कुछ और लगे खाने में? नहीं, बहुत बहुत। चाचा, भी पेट भर गया आपका? भर गया सर। बाकी मुझसे जो मदद हो सक रही है मैं वो कर रहा हूँ, और हो सकेगा तो मैं आपसे दोबारा मिलूँगा। ठीक है सर। और चाचा, हो आप आराम भी करा करो मेहनत के साथ साथ। ठीक सर। और कोशिश करूँगा कि आगे को मैं आपकी और भी मदद करूँ, मुझसे जो भी होगी। ठीक है सर। अभी आप मेरी तरफ से ये रख लीजिए, कितने ही पैसे हैं? कोई नहीं, बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए दादा। हमारा भगवान तुम्हारा भला करे, बाबा गोल्डन टेम्पल वाला हमारी पूरी मनोकामना पूरी करे। अच्छा, ये रखिए और आज आप आराम करना मेरी तरफ से। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। और मुझसे जो भी होगा मैं आगे को भी आपसे मिल सकता हूँ और करूँगा कोशिश कि आपकी जो भी मदद हो। ठीक है सर। ठीक है, आप इतना वो होने की ज़रूरत नहीं है इमोशनल, मैं आपके बेटे जैसा हूँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है बाबा। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो देखने के लिए और वीडियो पे इतना प्यार बनाए रखने के लिए।
और गाइस मेन मोटिव यही है इस वीडियो बनाने का कि ऐसे लोग अगर आपको कहीं भी मिलते हैं तो उन्हें आप प्लीज़ खाना खिलाएं, अगर भूखे हैं तो जो भी हार्डवर्क करते हैं तो उनकी जो भी मदद आपसे हो सकती है 10, 20, 50, 100 से तो उनकी मदद करें। और सर्दी का टाइम आ चुका है तो अगर ऐसे लोग आपको कहीं भी मिलते हैं जिन्हें नीड है मतलब, तो उन्हें आप अपने पुराने जो भी क्लॉथ्स हैं, कोई भी आपके पुराने कपड़े हैं पिछले साल के, उससे पिछले साल के, तो आप वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में, और अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए और इतना प्यार बनाए रखने के लिए। लव यू ऑल।